आज हम क्लास टू का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका पाठ पाँच संज्ञा। नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों में दी गई प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम है, यही नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। ठीक, यही नाम वाले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए नाम वाले शब्दों को समझें। देखिए, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, प्रणव मुखर्जी। ठीक, वस्तु है, अभी हमने पढ़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति को देख लिया, अब वस्तु है। आइए वस्तु को देखते हैं। वस्तु, वस्तु का नाम मेज, गुलदस्ता, कार। ठीक, तीसरा स्थानों के नाम, बाजार, चिड़ियाघर, मंदिर। आगे दिया है प्राणी के नाम या स्थान, तो घोड़ा, तोता, मोर। आगे क्या है फलों के नाम, आम, केला, नाशपाती। सब्जियां देखिए, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आए। आलू, गोभी, बैंगन, महत्वपूर्ण जंतर मंतर, लाल किला, हवा महल। शरीर के अंगों के नाम, मुंह, हथेली, कान। आइए अन्य संज्ञा शब्दों को जाने और देखिए अलग अन्य संज्ञा शब्दों को जाने। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। शहरों के नाम, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रामपुर, बरेली। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, ताप्ती, नील, अमेजन। पहाड़ों के नाम, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, अल्पस। वस्त्रों के नाम, टोपी, कमीज, साड़ी, पैंट, टाई आदि। ये सब आपके संज्ञा के अंतर्गत ही आई देखते हैं। दोहराते हैं, प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। सभी चीज़ों की पहचान नाम से ही होती है। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम और वस्तुओं के नाम। ये सभी आपके क्या हैं, शब्द संज्ञा हैं। आज इतना ही दिया है क्लास टू में, आगे की वीडियो हम फिर आगे लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों, ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए। क्लास टू के बच्चे देख लीजिए, नंबर टू, दिए गए शब्दों को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ दिया है नमन, कहाँ गया था बाजार, या तो यहाँ बाजार डालेंगे। इसी तरह इनके तीन तीन नाम लिखिए, दिनों के नाम तीन, महीनों के नाम तीन, स्थानों के नाम तीन, इमारतों के नाम तीन। ठीक है, थैंक यू।